जिले में ट्रांसफर स्कूली बच्चों के हॉस्टल और स्मार्ट क्लास के नाम पर घोटाला और रिश्वतखोरी करने वाले सहायक आयुक्त के खिलाफ जिला पंचायत की उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति की अध्यक्ष अंजू व्यवहार ने 24 जुलाई को कलेक्ट्रेट का घेराव करने की सूचना एसपी को दी है। डिंडोरी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति की अध्यक्ष अंजू व्यवहार ने सहायक आयुक्त के खिलाफ कलेक्ट्रेट में आंदोलन करने की जानकारी एसपी को दी है। अंजू व्यवहार का आरोप है कि सहायक आयुक्त शिक्षा समिति की बैठक नहीं लेते, साथ ही हॉस्टलों स्कूलों में मरम्मत करवाने और ट्रांसफर के नाम पर व्यापक वसूली करते हैं, जिसके खिलाफ जिले के शिक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ सभी मिलकर 24 जुलाई को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। यहाँ पे एसी संतोष शुक्ला के द्वारा सहायक आयुक्त हैं जो, उनके द्वारा हमेशा से व्यापक रूप से जिले में भ्रष्टाचार का जो काम हो रहा है उसके लिए मैंने एसी के खिलाफ सारा आंदोलन किया। मैं चाहूँगी कि जिले में जो भी भ्रष्ट काम हो रहा है अगर एसी संतोष शुक्ला को नहीं हटाया गया, क्योंकि इनका ट्रांसफर हो चुका था लेकिन करोड़ों की सप्लाई है, अब वो करोड़ों के लेन देन है, इसके कारण से उनका मोह जिले से जा ही नहीं रहा। जब तक जिले में ऐसे अधिकारी रहेंगे मैं कहती हूँ जिले की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, क्योंकि इनको सह हर जगह से मिल रही है। जिले के बहुत से अधिकारी हैं जो इनको सह दे रहे हैं, और यहाँ तक कि एसी का जो बाबू है कुकड़िया बाबू, वो लोगों को इतना परेशान करते हैं, जनता को जब भी वो आते हैं उनके पास तो वो 5,000-10,000 निम्न श्रेणी के भी लोगों से लेते हैं। मतलब अगर कोई निम्न वर्ग का मतलब कर्मचारी है तो वो अपने घर का पालन पोषण करे कि इनको घूस दे, बिना घूस के ये लोग कुछ भी काम नहीं करते। नियुक्ति और ट्रांसफर के नाम पर भी ये लोग हर जगह इसी तरह काम कर रहे हैं, और ये आप देखेंगे ये एसी के कार्यालय में ये काम करते हैं पीयूष द्विवेदी जो 4th ग्रेड के हैं, जिनको यहाँ पे डिजिग्नेशन आप 2nd ग्रेड का बता के करोड़ों की सप्लाई स्मार्ट क्लास की करेंगे। अगर ये गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, इसकी पूरी जांच की जाए कि पीयूष द्विवेदी 2nd ग्रेड का तो नहीं है, और अगर है तो इसकी पूरी जाँच की जाए। और अगर इसकी पूरी जाँच नहीं, मैं चाहती हूँ कि ऐसे जितने भी अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी अगर जिले में इनके कारण शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई है तो उसके लिए पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक बार मैंने कमिश्नर से, लोकायुक्त से, और यहाँ तक कि कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आयुक्त विभाग में भी मैं इसकी जांच करवाऊंगी, और जब तक इसकी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं पूरे धरने के साथ अपने पूरे आंदोलन के साथ बैठूंगी। जब तक ऐसी संतोष शुक्ला जेल नहीं जाएंगे तब तक मैं सामने बैठूंगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।